वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब मॉर्निंग है और मॉर्निंग में मैं पीने लगी यहाँ पर साइडर विनेगर अभी मुझे लग रहा है कि मेरा गला थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है तो शायद मैं एक दिन इसको स्किप करूँगी मैं नहीं पीऊंगी और अभी जो है मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ और आज मैं नाश्ते में खाने लगी हूँ बॉयलग मैं दो बिल्कुल नहीं खाऊँगी मैं मे बी वन एंड हाफ़ खाऊँ या एक खाऊँगी और आधा जो है वो मैं शेयर करूँगी हस्बैंड के साथ और साथ में मैं बनाने लगी हूँ पराठे और ये फ्रोज़न पराठे हैं मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद हैं ये वाले पराठे पराठे हैं ये कीमे के सालन के साथ या इस तरह जो चिकन का सालन होता है उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं तो साथ साथ मैं जो है अपना जो ड्रिंक है वो पी रही हूँ ये थोड़ा सा गर्म पानी में डाला था मैंने पहले चिया चियासिड जो थे उसको पानी में नॉर्मल पानी में डाल कर वो जब सोक हो गए थे तो उसके बाद फिर मैंने इसमें एप्पल साइडर विनेगर ऐड किया था आप लोग बताएं आप लोगों में से कोई डाइट कर रहा है या नहीं कर रहा है और आप लोगों को मेरे खाने जो हैं जो मैं बना रही हूँ डाइट के लिए वो आपको कैसे लग रहे हैं मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं थोड़ी सी प्रपेशन भी कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जो डाइट से रिलेटेड बातें हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर जल्दी शेयर करूँगी और ये मेरा ब्रेकफास्ट है साथ में मैंने एक एप्पल काटा था और उसमें से हाफ एप्पल जो था वो जा चुका था बच्चे खा चुके थे साथ में चाय का कप था तो ये बस हल्का फुल्का सा जो था ये मेरा नाश्ता था और अभी लंच का टाइम था और लंच में जो है मैं बनाने लगी हूँ जो मैंने ब्राउन राइस बनाए हुए थे वो थोड़े से पड़े हुए थे और मैंने सोचा कि मैं ये जो राइस हैं इनको यूज़ में लेके कर आऊँ तो इसी वजह से मैंने इनका बनाने लगी हूँ स्टफ्राइ राइस बनाने लगी हूँ और बहुत इजी से बनाऊंगी और झटपट से ये बन जाएंगे लेकिन ये है कि ये फुल आ, इतने मज़े के होंगे कि जैसे हम लोग ने मैंने पीछे राइस बनाए थे वो अगर जैसे एक दफ़ा में वो खा लिए हैं और दूसरी दफ़ा में हमें लगे कि हमें बोरिंग हो रहे हैं वो राइस दोबारा खाने हैं तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके तो हम खा सकते हैं तो ये मैंने एक गाजर थी मेरे पास पड़ी हुई और मैंने उसको बहुत बारीक बारीक सा काट लिया था साथ में मेरे पास पालक पड़ी हुई थी थोड़ी सी पालक डाल दी थी जो भी आपके पास सब्जी आप डालते हैं पानी डाला है ताकि गाजर जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाए क्योंकि चावल भी कुक हैं और हम लोगों ने इसमें कुछ इतना स्पेशल ऐड नहीं करना तो इसमें ये एक अंडा जो है इसमें मैंने हल्का सा जो है सॉल्ट पेपर डालकर उसी पैन में जो है गाजर मेरी हल्की सी नरम हो गई है और मैंने वह डाल दिया है अंडे को कुक करूँगी और कुक करने के बाद मैं इसमें सीजनिंग वगैरह डालूँगी और ज़्यादा इसमें सॉल्ट नहीं ऐड करूँगी क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी जो है वो एग में भी डाला है राइस में भी सॉल्ट है तो इस वजह से ज़्यादा इसमें सॉल्ट नहीं ऐड करूँगी और ये वाली जो इस वाली रेसिपी में जो है जैसे ये मैंने लाइट सोया सॉस है ये मैं एक स्पून डालूँगी और ये इसके साथ मैं थोड़ा सा जो है इसमें विनेगर ऐड करूँगी और विनेगर ऐड करने के बाद ये सिर्फ़ फ़्लेवर के लिए है क्योंकि हम लोगों ने चाइनीज़ स्टाइल राइस बनाने हैं तो इसमें सोया सॉस और विनेगर जो है वो इसके बिना तो मज़े के नहीं लगेंगे और चिली जो है वो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बारीक बारीक जो है वो चिली वैसे ही काट के रखी हुई है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसके अलावा जो है इसमें राइस जो है वो डालूँगी भी, भी चीज़ें जो हैं वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए बस उनको आप यूज़ कर लो डिफ़रेंट उसके रेसिपीज़ बना लो ताकि खाने में भी बोरिंग ना लगे और ये भी फील ना हो कि हम लोगों ने यही चीज़ जो थी हमने एक दिन पहले खाई थी और दोबारा हमें यही खानी पड़ रही है तो जैसे भी है नेक्स्ट दोबारा से अभी जैसे मैं अकेली डाइट कर रही हूँ तो फिर मुझे पता है कि मैं ये चीज़ें जो बना रही हूँ ये इतनी क्वांटिटी में बन रही हैं कि एटलीस्ट इसको एक से दो दफ़ा खाना पड़ता है कभी भी ऐसा नहीं होता कि चीज़ आपने बनाई है और वो बिल्कुल पूरी पूरी बनी है तो इस वजह से जो है मैंने उतनी से जो थी मुझे पता था कि मैंने अभी ये राइस पच गया है और मैं अब दोबारा इसको खाऊंगी तो मुझे वो मज़े का टेस्ट नहीं आएगा तो मैंने इसको थोड़ा सा जो वेस्टरफाइड स्टाइल में कर लिया और इतने मज़े के ये बने हैं आप यकीन करें कि बहुत टेस्टी ये बने थे तो बल्कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है मैं ब्राउन राइस इसको इसी तरह ही बनाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे ब्राउन राइस जो है वो इस तरह ज़्यादा टेस्टी लगे हैं इंस्टेड ऑफ़ प्लेन राइस वो मुझे इतने मज़े के नहीं लगे थे तो ये मैंने हल्के से गर्म किए हैं माइक्रोवेव में गर्म करने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो चावल हैं अगर मैं उनको ठंडे डाल देती तो वो इतने अच्छे तरीके से जो पैन में वो गरम नहीं होने थे तो हल्का सा थर्टी सेकंड गरम करने के बाद इसमें डाला डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और ये बहुत मजे के जाइड चाइनीज़ राइस रेडी हो जाएंगे और गुड कैप्स जो हैं उनका लेने का मकसद यही है कि दिन में हम सिर्फ जो है वो एक दफ़ा लेंगे और बाकी जो डेज दिन पूरे दिन में जो हम मील खाएंगे उसमें हम काब्स जो हैं इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे और अभी ब्राउन राइस खाए थे तो दिन में बाकी जो है खाना वो हम नॉर्मल अपना खाएंगे और ये देखिए कितने मज़े के लग रहे थे और मैंने जो है हरा धनिया इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने पालक ऐड की थी और पालक की वजह से वो बिल्कुल ऐसी लुक आ रही है कि जैसे मैंने इसमें हरा धनिया डाला होता है और ये वाले जो राइस थे ये मैंने दो पोर्शन करके रखे थे मैंने इतना राइस खाए थे और खाने के बाद मैंने वन आवर वेट किया था वेट करने के बाद मैं वॉक पे चले गई थी और वॉक से आके मैंने जो थे अपने ये वाले हाफ जो राइस बचे थे मैंने फिनिश किए थे तो हमेशा उतना खाएं कि जितना आपको लगता है कि आपका स्टमक जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है उसके बाद आप थोड़ी बहुत वॉक करें और वॉक करने के बाद नेक्स्ट जो है वो आप दोबारा फिर से अपना खाना जो है वो इंजॉय कर सकते हैं अभी मैं वॉक करने निकली थी और वॉक मैं सिक्स किलोमीटर जो थी वो वॉक करके आई थी और मुझे उसके बाद बहुत अच्छा लगा था ना फील हो रहा था कि लेग्स बहुत टायर्ड थी लेकिन तो बहुत मज़ा आया था वॉक करने के बाद सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जो हम खा रहे हैं और जो हम डाइट कर रहे हैं वो तब तक हेल्पफुल नहीं होगी जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे हम वॉक नहीं करेंगे तो मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर रही हूँ एक्सरसाइज में जो है मैं वो जंपिंग जैक्स कर रही हूँ और इसके अलावा मैं प्लैंक्स वगैरह करती हूँ और वो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि वो क्या है जंपिंग जैक्स वो, वो बहुत ज़्यादा जो है गुड में आता है और प्लैंक्स जो हैं वो बहुत गुड है आपके स्टमक के लिए और घर आके मैंने जो थोड़े से राइस थे वो खाए थे और उसके बाद मैंने वाटरमेलन खाया था और अभी जो है मैं अपने लिए बना रही हूँ सूप और क्योंकि आज इवनिंग में मैं अपने डिनर में जो है वो सूप पीऊँगी और साथ में मैं अभी शाम का टाइम था तो मैं बनाने लगी थी हर्बल टी बना रही हूँ और हर्बल टी में मैंने एक जो है वो सौन डाली है और अदरक का जो पीस होता है चार काली मिर्चें डाली हैं और साथ में एक लौंग डाली थी और एक ही मैंने सिनेमन स्टिक डालिए दूसरी साइड पर मैं अपने सूप की तैयारी कर रही थी चिकन डाला था पानी में और तीन चार हरी मिर्चें डाली थी एक फुल साइज प्याज डालूंगी और इसके अलावा ब्लैक पेपर डालूंगी और सॉल्ट डालूंगी इसको पकने के लिए मैं रख दूंगी और इतना अच्छा इसका पकाऊंगी कि चिकन जो है वो बिल्कुल मशीसा सा हो जाए अदरक लहसुन डाल के इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और मुझे अपना जो सूप है उसमें बोटी जो है वो बहुत नरम चाहिए होती है जितनी नरम होती है उतनी मज़े का सूप बनता है और जो मेरा कावा था वो मेरा पक रहा था और इसको मैंने इतना पकाना है कि इसका कलर जो है वो अच्छा सा निकल आए और जैसे ही कावा जो था वो पकना शुरू हो गया था और इसमें थोड़ा बहुत जो सिनेमन स्टिक का जो कलर था वो निकल आना आप पाउडर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे पाउडर की निसबत जो स्टिक है वो यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है पाउडर अगर दूसरा कोई खाना होता है तो मैं यूज़ करती हूँ लेकिन अगर कावा वगैरह पीना होता है तो मैं जैसे ये हर्बल टी थी, थी तो इसमें मैंने कोशिश यही की थी कि मैं स्टिक जो है वो यूज़ करूँ और इसके साथ जैसे ये पक रहा था तो मैंने एक चम्मच जो थी वो इसमें मैंने ज़ीरा डाला था और ब्लैक जीरा नहीं डाला जो नॉर्मल जीरा होता है वो मैंने ज़ीरा डाला था और वो ज़ीरा जो है वो बहुत गुड होता है वेट लूज़ करने के लिए बहुत सारे जो है मैंने देखी हैं रेमिडीज़ देखी हैं जिनमें आप रात को ज़ीरा जो है एक गिलास पानी में उसको भिगो के कोई गर्म पानी नहीं लेकिन उसको भिगो के आप छोड़ दें और सुबह उठ के आप जो है उसको वो छान के निहार मुँह पीन लें वो पानी को वेरी गुड फॉर वेट लॉस होता है तो जो यखनी थी वो मेरी पकने रखती थी और हाफ टी स्पून जो था मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया था और ज़ीरा थोड़ा सा पक रहा था जैसे इसका हल्का सा जीरे का जो कलर है वो बाहर निकला था तो मैंने इसमें एक चम्मच जो थी ग्रीन टी डाली थी ग्रीन टी डालने के फ़ौर बाद आपको अपना चूल्हा ऑफ करना होता है क्योंकि ग्रीन टी ज़्यादा नहीं पकाते अगर ग्रीन टी ज़्यादा पका लेंगे तो उसके बाद जो है वो आपकी ग्रीन टी ब्लैक होनी शुरू हो जाएगी o flavor उसका जायका जो है वो बिल्कुल कड़वा हो जाएगा तो वो बिल्कुल पीने के काबिल नहीं रहेगी तो मैंने ये ग्रीन टी डाली है डालने के बाद ही मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था और मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी और इसके बाद इसको छान के इसमें मैं हनी डालूंगी और थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी और ये मज़े की जो थी हर्बल टी रेडी हो गई थी थोड़े से साथ नट्स वग़ैरह लिए थे बादाम और साथ में मेरे वो भी जो थे आ, मेरी ये शाम की चाय रेडी हो गई थी इसके बाद इतना फीलिंग हो गया था कि ज़रूरत नहीं फील हो रही थी कि मुझे हंग्रीन ये मैंने छान लिया था और छानने के बाद अब इसमें जो है मैं हनी डालूंगी हाफ टी स्पून जो है वो हनी ऐड करूंगी और थोड़ा सा जो है वो लेमन जूस इसमें ऐड करूंगी और मुझे यही यही लग रहा था कि मैंने जो है वो एक दिन में काफ़ी ज़्यादा लेमन पी लिया था तो इसी की वजह से मुझे लग रहा था कि मेरा गला जो है वो अब ख़राब होने पर आया हुआ है और अगर आपको ऐसा फील होता है ना तो प्लीज़ आप अपने गले को ब्रेक ज़रूर दें क्योंकि आज जो सिचुएशन चल रही है ना तो उसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारा गला ख़राब हो तो इस वजह से अगर आपको ऐसा कभी लगे कि आप स्प्रिंग डाइट आपको लगे कि आपका गला जो है वो ख़राब होने की कोशिश में है तो आप उसको थोड़ा सा प्लीज़ परहेज दें और अभी जो मेरा सूप जो था वो पक चुका था और उसको मैं छानने लगी और ये सूप छानने के बाद इसी हांडी में जो है मैं एक चम्मच से भी बल्कि कम जो है बहुत थोड़ा सा जो है मैं देसी घी डालूंगी अगर ये नॉर्मल वे में मैं सूप बना रही होती तो इसमें मैं अच्छा खासा देसी घी डालती लेकिन क्योंकि मैं इसको जो है डाइट वे में बना रही हूँ तो मैंने सिर्फ एक टी स्पून जो था वो देसी घी इसमें ऐड किया है और देसी घी ऐड करने के बाद जो मेरी चिकन है वो मैं इसमें ऐड करूँगी यखनी का जो गुड एलिमेंट है वो देसी घी है और ये देखिए मैंने बहुत कम सा डाला था चिकन इसमें डाल दूंगी और डालने के बाद इसको अच्छा सा भून लूँगी ज़्यादा नहीं भूनूंगी बल्कि हल्का सा इसका जो है ना वो कलर सा चेंज हो जाए अच्छा मैंने इसकी वीडियो बनाई थी लेकिन वो पता नहीं है जब मैंने इसको एडिट करने लगी तो वो वीडियो कहाँ गायब हो गई वो रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी तो इसको मैंने डालने के बाद जैसे ही चिकन में हल्का सा कलर आ गया था तो उसके बाद मैंने इसमें जो है वो जो छाना हुआ पानी था वो डाल दिया था साथ में मेरे पास जो भी वेजिटेबल थी वो मैंने इसमें डाल दी थी मेरे पास कैरेट थे और मेरे पास इसके अलावा थोड़ी सी और सब्ज़ी थी तो मैंने वो इसमें डाल दी थी डालने के बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था जितनी देर में जो सब्ज़ी है वो भी नरम हो जाए और जैसे ही वो नरम हो गई थी तो उसके बाद मेरा सूप जो था वो बिल्कुल रेडी हो गया था तो ये वाला मैंने प्रोसेस किया था और जैसे ही ये सूप रेडी हुआ था उसके बाद गरम गरम ये वाला सूप मैंने डिनर में पी लिया था और ये इतना ज़्यादा इसमें पानी की कमी जो है वो पूरी हो जाती है कि आपका दिल नहीं करता कि आप कुछ और खाएँ मेरा डिनर था और उसके बाद फिर मैंने हाफ़ एन आवर के ब्रेक के बाद मैंने ग्रीन टी पी ली थी और ये आज का व्लॉग था आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखें अल्लाह हाफ़